मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको प्रेम भरी बधाई। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिली, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने परिवार हैं, आशा करता हूं कि आप सब भले चंगे हैं। वापस आज इस छोटे से संदेश के द्वारा, हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक छोटे से संदेश के द्वारा आपसे मिलना मुझे बहुत ही आनंद की बात है। अक्सर मैं कहता हूं ना, क्या आप मुझसे प्रार्थना करते हो, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सिर्फ एक ही बात, भाई के लिए, जीसस मिट्स मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता उनको संभालो। हम भी आपके लिए जरूर लगातार प्रार्थना करते हैं, ठीक है। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, पहले कुरिन्थियों की पत्री 14:4-5, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। कुछ लोगों को बहुत बड़ा संदेह है कि क्यों मैं अन्य भाषा बोलूं, तमिल ही मैं कुछ इंग्लिश ठीक से नहीं बात करता, अपनी खुद की मातृभाषा में ठीक से बात नहीं कर पाता, तेलुगु ठीक से बात नहीं करता। प्रिय लोगों, एक बात आप समझ जाइए, अन्य भाषा का जो वरदान है, अगर परमेश्वर आपको दिया है, तो उसकी मुख्यता बाइबल कैसे बताती है उसे हमें जानकर उसका पालन करना चाहिए। तो यहां पर क्या कहा गया है, पहले कुरिन्थियों की पत्री 14:4 में, अन्य भाषा को अगर मैं बोलूं तो मेरे अंदर एक तरह की उन्नति होती है, भक्ति में उन्नति होती है। तो अक्सर मैं ऐसा कहता हूं, पहला कदम भक्ति, बाइबल लो, कलीसिया में जाओ। दूसरा, भक्ति में उन्नति, आराधना खत्म होने के बाद भागकर वापिस ना आकर पास्टर से बात करिए कि सेवकाई कैसे चल रही है, बाइबल स्टडी कब है, पूछताछ कीजिए, वो भक्ति की उन्नति है। तीसरी बात है भक्ति में वैराग्य, प्रभु यीशु के लिए मैं जीऊं, यीशु के लिए मरने के लिए तक मैं तैयार हूं। परमेश्वर के लोगों, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 17:16 में हम देखते हैं, पौलुस ने जब उस नगर को देखा तो एथेंस में उनकी बात जो रहा था, तो नगर में मूर्तों को देखकर उसका जी जल गया। देखिए, उसमें एक तरह की भक्ति वैराग्य, आत्मा में एक तरह का वैराग्य उसके अंदर आने लगा। अभिषेक में भर भर कर अन्य भाषाएं बोल बोल कर जब प्रार्थना करने लगता है तो आत्मा में एक तरह का वैराग्य आता है। मूर्ति पूजा को देखकर जो है, वहां पे जो अशुद्धता है उसे देखकर जो है, प्रेरित पौलुस जो है आत्मा में बाहर जोकर उसका जी जल गया, आत्मा में वैराग्य होकर जो है प्रार्थना करने लगा। डीजेस दिनागरन का जो प्रार्थना है आपने सुना होगा, आत्मा में जो है वैराग्य होकर, आपने कुछ लोगों को ऐसे देखा, आपने खुद ने भी जो है ऐसे प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया गया अभिषेक है। तो अगर ये अनुभव, यह अभिषेक अगर आपके अंदर है तो आज से प्रार्थना कीजिए। अक्सर अकेले में जाकर प्रार्थना करके, हे परमेश्वर मेरे अंदर अभिषेक तो वैराग्य से भरपूर कर, ऐसा प्रार्थना करो, प्रार्थना करते हैं। एक आत्मिक वैराग्य, हमारे प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से एक आत्मिक वैराग्य कलीसिया के लेकर, विश्वासियों को लेकर, जागरण को लेकर, विश्वासियों को लेकर पिछली बरसात वर्षा के रूप में अभिषेक जो इनके ऊपर उंडेला जाए। हे पिता, पूरे जीवन में और आत्माओं को परमेश्वर के राज्य के लिए लेकर आने के लिए मेरी सहायता कर, ऐसे आशीषों से भरपूर कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरों को जरूर शेयर करें, हिंदी भाषा में इसे जो है अच्छी तरह से अनुवाद किया जा रहा है और आपको दिया जा रहा है, तो बहुत सारे उत्तर भारत के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो प्रभु को जाने। फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फोन नंबर 9841252836 और 7299542636 ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।